मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और डीआईजी राजेश जी मोदक ने सुबह महुआ स्थित सब्जी मंडी एवं फल मंडी का निरीक्षण किया तथा भीड़ भाड़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वहां पर कम भीड़ होने पर संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा मंडी में आने वाले थोक व्यापारी तथा उनके कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। इसके बाद मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और डीआईजी राजेश जी मोदक ने कान्हा उपवन का भी निरीक्षण किया और वहां गायों के रख रखाव एवं चारे के संबंध में जानकारी हासिल की तथा कान्हा उपवन की साफ सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, पेपर की इंडस्ट्री खुली हुई है भाई, ये किसका है? उनका छोटा बच्चा भी टहल रहा है, आपका खाली है यार भूसा गोदाम? संजय कितना बड़ा है भूसा गोदाम देखो, इसमें भूसा सस्ता है भले। देखिए आज हम लोग डीआईजी साहब के साथ और एसडीएम सदर साहब के साथ हम लोगों ने प्रातःकाल दोनों स्थानों का भ्रमण किया है और ये एक टाइप से औचक निरीक्षण था और प्रयास ये था कि हम मंडी में देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की क्या उपलब्धता है, लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। और बड़ी खुशी की बात है कि लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, मास्क का ज़्यादातर लोगों ने, इनफैक्ट 99.9% लोगों ने मास्क लगा रखा था, जो एक दो लोग नहीं लगाए हुए थे उनके पॉकेट में था। तो इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं, नगर निगम को स्वच्छता के लिए कहा गया है। पास में ही महवा का जो वहाँ पर आपका हमारा जो कान्हा उपवन है, वो कान्हा उपवन भी हम लोगों ने विज़िट किया और वहाँ पर भी स्वच्छता के लिए और पर्याप्त भूसा और चारे की उपलब्धता के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए।